भाई वो मैजिक अगर 9th मेल लेके आते ना तो शायद आज इतने जलील नहीं होते। तो जनता के सर्टिफिकेट से मतलब है, तेजस्वी के सर्टिफिकेट से तो मतलब है। एक साल पहले इनके जो युवराज हैं उन्होंने प्रिंस कोट सिलवा लिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए। 1-1.5 घंटे राजद को खुशी मना लेने दीजिए। ईद का मिठाई नहीं खाएंगे, हार का मिठाई खाएंगे। कई बार आप ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, यह समान सी प्रक्रिया है। और फाइनली जब मार्जिन के साथ कोई कैंडिडेट रिजल्ट जीत जाता है और सर्टिफिकेट लेके चला जाता है तो जीत उसे कहते हैं। कुल मिला के 1-1.5 घंटे या 2 घंटे और इंतज़ार कीजिए, 1-1.5 घंटे राजद को खुशी मना लेने दीजिए। अंततः वो मिठाई उनको पचेगा नहीं, क्योंकि वो जीत का मिठाई नहीं खाएंगे, हार का मिठाई खाएंगे। इंतज़ार कीजिए। अच्छा, तो राजद के लोग तो अभी से खुशी मनाने लगे, कह रहे हैं कि सपना देखने दीजिए जेडीयू वालों को, सपना जो है वो अच्छा लगेगा देखने में। दिन का सपना जो है ना बड़ा सुनहरा होता है। देखिए पिछले एक साल में कई बार इस तरह के सपने राजद वालों ने देखा। पहली बात, एक साल पहले इनके जो युवराज हैं उन्होंने प्रिंस कोट सिलवा लिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, पड़ा हुआ है। क्योंकि 2005 में भी अगर फरवरी का चुनाव याद करेंगे तो 75 सीट आया था आरजेडी को, आज भी 75 पे हैं। तो इनके नक्षत्र में ही विपक्ष के चेहरे के तौर पे ही ये स्थापित होंगे, यही इनकी सच्चाई है। बाकी दावा कसते रहिए, भाई आपने एक साल में काम क्या किया है? तारापुर कुशेश्वर स्थान गए क्या? इस एक साल में आपको कोविड आया, बाढ़ आई, लेकिन राजद के राजकुमार कहाँ थे? दिल्ली में नेशनली ट्रेंड हुए तेजस्वी भगोड़ा है, तो कुछ किया नहीं और वोट आपको जनता दे देगी, ऐसा क्या है भाई, हलवा है? तो ये फिर तो तेजस्वी यादव तो अभी कूद कर रहे, कह रहे हैं कि जो भी गलती नीतीश कुमार जेडीयू और उनके साथ साथ जितने लोग हैं करेंगे, उनकी चोरी को हम लोग पकड़ने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए वो कुशेश्वर स्थान उस कारण से नहीं गए हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट बना है और स्पाइस जेट की फ्लाइट 130 में दिल्ली जाती है, उस समय आप देखिएगा पकड़ के भाग लेंगे। उन्होंने सहूलियत ढूंढा है कि कहाँ से बिहार से निकला जाए। कुल मिला के आप बैठ के लास्टली आप क्या करेंगे? आप शुरू से माहौल बना रहे हैं, कितने सारे आरोप लगाए आपने। आरोप जब साक्ष्य और सबूत के साथ होता है तो उसे माना जाता है। और पहली बात, ज्ञान की बात जो ये लोग नहीं समझते कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, चुनाव आयोग चुनाव के तमाम प्रक्रिया में वो निर्भर करता है कि वो किस तरह से आगे चुनाव कराते हैं। तो भाई जो भी शिकायत है वो चुनाव आयोग को उन्होंने किया, एक को माना गया, बाकी सबको खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद भी राग अलाप रहे हैं तो अलापते रहिए, हमें तो जनता के सर्टिफिकेट से मतलब है, तेजस्वी के सर्टिफिकेट से तो मतलब है नहीं। हालांकि एक सवाल जो है वो बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा, लेकिन ये बता दीजिए कि तेजस्वी यादव से बार बार जब ये पूछा जाता है कि आप लोग अगर दोनों सीट से जीत जाते हैं तो क्या आप अपनी सरकार बना लेंगे, तो कहते हैं पत्रकारों को कि थोड़ा अभी शांत रहिए, हमारे पास एक मैजिक है। भाई वो मैजिक अगर 9th मेल लेके आते ना तो शायद आज इतने जलील नहीं होते। भाई कौन सा मैजिक, कोई भी सरकार बिहार की सरकार अगर बनती है तो 121 के जादुई आंकड़े को पार करना, यानी आपके पास 122 का मैंडेट होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अंक गणित कहते हैं इसे। उस अंक गणित में आपने कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया, आपके पास 110 विधायक हैं, कहाँ से लाइएगा? अगर आप कांग्रेस के साथ भी आते हैं तो आप 110 पे ही रहते हैं, इसके अलावा आप कहाँ से विधायक लाएगा? ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये दो स्थान पे जो चुनाव हो रहा था वहाँ पे ये दलील दे रहे थे ताकि लोगों को ये लगे कि ये दो सीट अगर हम इनके झोली में दे देंगे तो ये सरकार बना लेंगे। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। लेकिन अंततः बिहार की जनता इतनी भोली नहीं है, सब कुछ समझती है, जानती है और पढ़ी लिखी है। UPSC यूं ही क्रैक नहीं करते ये लोग। तो कुल मिला के जनता जानती है और जनता ने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व और उन्हें ही आशीर्वाद दिया है, ये 1-1.5 घंटे बाद तय हो जाएगा।